अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा मंसूर है। मैं पाकिस्तान में टेनिस खेलती हूँ और मैं पाकिस्तान नंबर वन हूँ पिछले 5 साल से। और जो मैंने खेलना शुरू किया, मैंने रावलपिंडी में एक क्लब था उधर से मैंने खेलना स्टार्ट किया। बेसिकली हमारी फैमिली में भी स्पोर्ट्स थी। मेरे जो दादा थे मेजर अब्दुल रशीद, वो बॉक्सर थे, और जो मेरी कज़न्स थी वो सेलिंग में थी। और मैंने जो खेलना स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स हमारी फैमिली में था। और जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो एक समर कैंप से मैंने स्टार्ट किया था। समर कैंप के बाद फिर मैंने एक टूर्नामेंट खेला जहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना, और फिर वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया उसको खेलना एज अ प्रोफेशन मैंने लिया। अच्छा, जब मैंने अपना टेनिस बेसिकली मैं कहूँगी टेनिस अपना करियर मैंने स्टार्ट किया, तो मैं जाया करती थी, वाक एंड जाया करती थी रावलपिंडी से हर रोज़। मतलब मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया खेलने में, तो तब इतना कोचिंग का आई थिंक इतना ट्रेंड भी नहीं था, और टेनिस का किसी को इतना पता भी नहीं था कि टेनिस है क्या। और प्लस कोचिंग वाइज अगर देखें तो इतने ज़्यादा आपको ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं थे। तो मैं ऑल द वे जाया करती थी, फजल सुभान मेरे सबसे पहले कोच थे, उनके साथ मैं खेलती थी। फिर इधर वापस जब इस्लामाबाद में, फिर मैंने इस्लामाबाद अपने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन है, फिर मैंने इधर खेलना स्टार्ट किया। बीच में डिफरेंट मैंने कोचेस से ट्रेनिंग ली, महमूद खान से फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया। प्लस फिर जब मैं ख़ुद भी खेल रही थी, जो मैंने एक और चीज़ भी एक जो मुझे लगा कि पेरेंट्स जो बड़े थोड़े स्केप्टिक होते हैं अपनी स्पेशली अपनी बेटियों को भेजने के लिए खिलाने किसी भी स्पोर्ट्स उसमें करने के लिए, आई थिंक हमारे यहाँ फीमेल कोचेस का नहीं है, हमारे यहाँ फीमेल कोचेस वो नहीं है। तो उसी बेसिस पे बिकॉज ऑफ आर कल्चरल सेंसिटिविटीज़ एज वेल, और इवन और भी आपको पता था जैसे हमारा सोशल वो है, तो मैंने इवन अपना जो आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इंटरनेशनल टेनिस कोच, बीन पहली पाकिस्तान की मैं फ़ीमेल कोच भी हूँ, तो मैंने वो कोचिंग सर्टिफिकेशन वो चीज़ की। और आई थिंक एक तो हमारा कोचिंग का एक प्रॉब्लम है, एक हमारा एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना हमारी अकेडमीज़, एक प्रॉपर हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में जैसे क्रिकेट की अगर आप एग्जांपल ले लो तो हर सिटी में हर कहीं ना कहीं कोचिंग एकेडमीज़ हैं। हमारे यहाँ जो टेनिस अगर की बात करें तो हमारी आई थिंक अभी एक ही एकेडमी है जो इसी साल जो स्टार्ट हुई, वो नेशनल टेनिस सेंटर है इस्लामाबाद में है। तो आई थिंक इस तरह के और भी टेनिस सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए, सो दैट आपके ग्रास रूट आपके जितने भी प्लेयर्स हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो एक उनको जगह मिल जाए जो वहाँ जाके खेल सकते हैं। प्लस आपको पता है टेनिस इतना एक बड़ी वैसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, अगर आप उसकी सिर्फ बॉल्स की बात कर लो, इक्विपमेंट की बात कर लो, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। इसमें आते एक स्पॉन्सरशिप का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने इवन अगर आपको चलो आप इधर पाकिस्तान में खेल भी रहे हो, तो इवन जब आपने बाहर आपने ट्रैवल करना होता है तो उस चीज़ के लिए भी आपके पास वो स्पॉन्सर पैसे नहीं होते करने के लिए। जो आपका जो भी प्लेयर आपका अगर कुछ बनना चाहता भी है, करना चाहता है, अभी अगर परफॉर्म भी करना चाहता है, तो हमारे जो मेन एक जो जिससे आई थिंक सारे हमारे प्लेयर्स मार खाते हैं वो स्पॉन्सरशिप का है। आई थिंक जो मेरा करियर का जो हाईलाइट वो है, मेरा 2016 की जो सैफ गेम्स हुई थी उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था वो है। प्लस मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेली हुई है, और मतलब जो मैं जीते हैं जो अपने नेशनल काफ़ी ढेर सारे नेशनल टाइटल्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, और अभी जो रिसेंटली हुआ है जो नेशनल गेम्स पेशावर में हुए हैं उसमें 2 गोल्ड मेडल्स हैं।